नए व्यूअर्स, जल्दी से सेलेब्स फॉर स्टाइल को सब्सक्राइब तो कर लो और बगल की घंटी दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर कर देना। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका सेलेब्स फॉर स्टाइल में। दोस्तों, बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत ना सिर्फ अपनी अदाकारी से बल्कि अपने बेबाक अंदाज से भी लोगों के दिल जीत लेती हैं। कंगना ने अपने फिल्मी करियर में एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्में दी हैं। इस लिस्ट में गैंगस्टर, फैशन, क्रिश 3, तनु वेड्स मनु सीरीज, क्वीन और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों का नाम शुमार है। आपको बता दें कि कंगना को ऐसी कई फिल्मों के ऑफर भी मिले जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। इस वीडियो में आज हम आपको उन 8 फिल्मों के बारे में बताने वाले हैं जिसे कंगना ने बिना कुछ सोचे समझे ही रिजेक्ट कर दिया था। भारत की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बजरंगी भाईजान ने साल 2015 के सभी रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। इस फिल्म में पहले कबीर खान ने कंगना रनौत को फीमेल लीड रोल का ऑफर दिया था, पर कंगना ने फिल्म के ऑफर को ठुकरा दिया था। इस फिल्म में उनका रोल इतना कुछ खास नहीं था, जिसके बाद करीना कपूर को ये रोल दे दिया गया। साल 2016 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म सुल्तान, ये फिल्म भी कंगना ठुकरा चुकी है। इस फिल्म में पहले उन्हें कास्ट किया जाना था, पर शूटिंग शेड्यूल की वजह से कंगना ने इस ऑफर को छोड़ दिया। साल 2018 की सफल फिल्मों में से एक संजू में संजय दत्त की पत्नी मान्यता दत्त के रोल के लिए भी कंगना को अप्रोच किया गया था, लेकिन कंगना ने इस ऑफर को भी ठुकरा दिया। बाद में इस रोल को दिया मिर्जा ने निभाया था। अनानंद एल रॉय द्वारा डायरेक्ट की गई फिल्म जीरो, इसमें पहले वो कंगना को कास्ट करना चाहते थे, पर उन्होंने इस रोल को करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद फिल्म में बॉलीवुड की दो बड़ी अभिनेत्रियां अनुष्का शर्मा और कैटरीना कैफ को लिया गया। वैसे फिल्म की नई कहानी होने के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चल ही नहीं पाई। साल 2016 की हिट फिल्म एयरलिफ्ट में कंगना रनौत को रोल ऑफर किया गया था। उन्हें अक्षय कुमार के ऑपोजिट कास्ट किया जाना था, पर उन्होंने इस फिल्म को करने से मना कर दिया। बता दें कि उन्हें अपने काम की व्यस्तता के कारण इस फिल्म को ठुकराना पड़ा था। ये दूसरी बार था जब कंगना ने अक्षय की फिल्म करने से इनकार किया था। रुस्तम फिल्म के लिए प्रोड्यूसर की पसंद भी कंगना ही थी। उन्होंने कई बार कंगना से संपर्क करने की कोशिश की और किया भी, पर बाद में उन्हें इलियाना डिक्रूज को इस फिल्म में कास्ट करना पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि कंगना और एकता कपूर, इन दोनों के बीच काफी अच्छे रिश्ते हैं। दोनों ने मिलकर कई फिल्म प्रोजेक्ट्स किए हैं और इस वजह से एकता की फिल्म द डर्टी पिक्चर के लिए भी कंगना ही उनकी पहली पसंद थी। पर कंगना फिल्मों की आवश्यकताओं के बारे में निश्चित नहीं थी, तो उन्होंने इस फिल्म के लिए भी मना कर दिया था। साल 2017 की नेटफ्लिक्स फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स उस साल की सबसे प्रत्याशित स्वतंत्र फिल्मों में से एक थी। इस फिल्म को निर्देशक माजिद मजीदी ने निर्देशित किया था। बता दें कि इस फिल्म में मालविका मोहनन द्वारा निभाया गया किरदार कंगना रनौत को ऑफर किया गया था, पर उन्होंने इस फिल्म को व्यस्त कार्यक्रम के चलते करने से मना कर दिया था। दोस्तों, इसी तरह की और भी कई अपडेट्स पाने के लिए बने रहिए आप हमारे साथ सेलेब्स फॉर स्टाइल में। अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको कंगना की सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी लगती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। शुक्रिया।